नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजना, आपकी पेडियाट्रिशियन। और आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों के लैंग्वेज डिले के या स्पीच डिले के क्या साइंस हो सकते हैं, ऐसे क्या साइंस हैं या ऐसे क्या इंडिकेशंस हैं जब हमको ये पता चले कि हमारा बच्चा अगर नहीं बोल रहा है तो इसके पीछे कोई मेडिकल रीज़न हो सकता है और हमें डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। सबसे पहले 8 से 10 महीने के बच्चे जो अगर आई कॉन्टैक्ट बच्चे में नहीं है, बच्चा नज़र नहीं मिला रहा है, तो उसके साथ कोई ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ऑटिस्टिक हो सकता है वो बच्चा, या फिर हो सकता है कि उसकी नज़र कमज़ोर हो। ये सब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर 8 महीने से तक भी बच्चा जो है वो नज़र नहीं मिला रहा है। अगर 1 साल का बच्चा पॉइंट आउट नहीं कर रहा है चीज़ों को, जैसे हम उससे पूछते हैं कि टीवी कहाँ है, तो वो बताता है टीवी वहाँ है, लेकिन अगर वो नहीं बता पा रहा है कि टीवी कहाँ है या पानी कहाँ है या खाना कहाँ है, मोबाइल कहाँ है, 10 to 11 months में बच्चे बाय बाय करना सीख जाते हैं। लेकिन अगर 12 महीने के बाद भी बच्चा बाय बाय नहीं कर रहा है, वेव नहीं कर रहा है अपने हाथ को, वो समझ नहीं रहा है कि जा रहे हैं और मेरे को बाय बाय करना है, 12 महीने का बच्चा 1 या 2 वर्ड स्पॉन्टेनियसली विद मीनिंग बोलने लगते हैं, लेकिन अगर ये नहीं बोल रहा है तो ये भी एक स्पीच डिले का या लैंग्वेज डिले का साइन है। 18 महीने का बच्चा जब हो जाता है तो वो बहुत सारे सिंपल जो हमारे कमांड्स हैं, जो हम उसको छोटी 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 बातें बोलते हैं करने के लिए, वो करने लगता है। जैसे अपने शूज़ ले आओ, अपने सॉक्स ले आओ, अपने कपड़े ले आओ, या अपने लिए पानी ले आओ, या वहाँ पर वो चीज़ रखी है उसे उठा कर ले आओ। अगर ये सिंपल कमांड्स भी 18 महीने का बच्चा फॉलो नहीं कर रहा है और वो फॉलो करने से पहले आपके इशारों की तरफ देखता है, वो ये नहीं देखता कि आप क्या बोल रहे हैं, वो पीछे से नहीं सुन रहा है, वो आपकी शक्ल देखता है कि आप क्या बोल रहे हैं और इशारों से समझने की कोशिश करता है, तो ये भी एक साइन है कि आपको अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। हो सकता है उसका हियरिंग नॉर्मल नहीं हो, या हो सकता है कि उसको कुछ समझने में दिक्कत आ रही हो, जैसे डिसलेक्सिया या ऑटिस्टिक बच्चों के साथ होता है, तो इसलिए आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। 2 साल तक आते आते 2 से 3 वर्ड्स बच्चे स्पॉन्टेनियसली बोलने लग जाते हैं, अगर वो ये नहीं बोल रहा है तो भी आपको अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। और एंड में जाते जाते एक सिंड्रोम के बारे में आपने सुना होगा जिसको बोलते हैं आइंस्टीन सिंड्रोम। अल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत महान वैज्ञानिक थे, लेकिन 4 से 5 साल तक भी वो बोलना नहीं सीखे थे और इसलिए उनके माँ बाप बड़ी चिंता करते थे कि ये बच्चा बोलता नहीं है, और उसको डॉक्टर के पास लेके गए थे। लेकिन जब डॉक्टर ने उनका IQ लेवल टेस्ट किया तो इट वॉज मोर देन 100। तो ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनके एनालिटिकल स्किल्स बहुत हाई होती हैं, जो हर चीज़ को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन फिर भी उनका स्पीच जो है वो बहुत डिले होता है, 4 to 5 years तक आता है। इसीलिए इस सिंड्रोम को आइंस्टीन सिंड्रोम का नाम दिया गया है। आप चाहें तो इसको नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। और इसीलिए अगर आपके बच्चे का स्पीच डिले है या लैंग्वेज डिले है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, चिंता मत कीजिए, वो एक दिन ज़रूर बोलेगा। थैंक यू।